मक्खन, मैदा, मेयोनीज अगर खा रहे हैं तो सावधान, रुक जाइए। ये आपकी नसों के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल जमाएगा। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जो खून की नाड़ियों में जम जाता है, वो इन्हीं चीजों से बनता है। और वो अंदर जाके जब नसों में बनता है तो ये नसें धीरे धीरे सुकड़नी शुरू हो जाती हैं। और जब ये सुकड़ती हैं तो अगर हार्ट की नस बंद होगी तो हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन की नस बंद होगी तो ब्रेन अटैक या ब्रेन का हार्ट अटैक, या पैर की नसें बंद हुई तो पैरों का हार्ट अटैक हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम जवान हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम अभी तो खा लेते हैं, बुढ़ापे में देखा जाएगा। लेकिन बुढ़ापे की शुरुआत जवानी से होती है, और हर 25 साल के इंसान को, जो भी 25 साल का बाद, हर एक आदमी की खून की नसों में, नाड़ियों में ये थक्का जमना शुरू हो जाता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा, किसी की बहुत तेज रफ्तार से जमता है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल की चीजें ज्यादा ले रहा है, ये मक्खन, मैदा, मेयोनीज जो है, ये जो 3M समझते हैं, ये सब चीजें अगर ज्यादा ले रहे हैं, तो इन चीजों के सेवन से ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बहुत जल्दी से हो सकती है। अगर फैमिली हिस्ट्री भी साथ में, अगर आपको डायबिटीज भी है, अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी चलना फिरना, एक्सरसाइज बहुत कम है या ना के बराबर है, इनकी वजह से खून की नसों में रुकावट बहुत जल्दी हो सकती है और खून की नाड़ियां बंद हो सकती हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक और लेग अटैक हो सकता है। तो सावधान रहें, इन सब चीजों से बचें, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज करिए, स्मोकिंग नहीं करिए, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कंट्रोल में रखिए। जो दवाइयां आपको लेने के लिए आपके डॉक्टर्स ने कहा है वो दवाइयां लेते रहिए, रेगुलर टेस्ट करवाइए, सुपरविजन रखिए डॉक्टर्स का, और